बीजेपी महामंत्री रणवीर सिंह रावत ने बताया कि बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक वर्चुअल होगी। इसमें प्रत्येक जिले के पदाधिकारी अपने जिले से जुड़ेंगे। बीजेपी प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश कार्यसमिति की बैठक कल 4 सत्र में होगी। पहला सत्र उद्घाटन सत्र होगा, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे, जिसमें यहां से अध्यक्ष, सीएम, प्रभारी मुरलीधर राव सहित अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का अध्यक्षीय उद्बोधन होगा। फिर दूसरे चरण की बैठक में 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए जाएंगे, जिससे राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से बातें होंगी। पक्ष और विपक्ष दोनों विषयों पर चर्चा होगी। दूसरे प्रस्ताव में केंद्र और राज्य की सरकार ने कोरोना काल में क्या काम किया, उस विषय पर बात होगी। समापन सत्र में प्रदेश प्रभारी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उद्बोधन होगा। ये प्रदेश कार्य समिति का जो हमारा स्वरूप होगा, ये 4 सत्र होंगे। इसके पहला सत्र हमारा उद्घाटन सत्र होगा और इस उद्घाटन सत्र में हमारे दो तरह के हमारे मंच होंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से हमारे प्रदेश कार्य समिति के मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर विराजमान होंगे और हमारी प्रदेश कार्य समिति का उद्घाटन करेंगे। और जो हमारा लास्ट का समापन सत्र होगा, उस सत्र में माननीय अध्यक्ष जी की हमारी अध्यक्षीय टिप्पणी करेंगे और समापन सत्र में हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय मुरलीधर राव जी का उद्बोधन उसमें होगा और समापन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान कल अंत में इस कार्य समिति का समापन करेंगे। इस प्रकार से हमारी प्रदेश कार्य समिति का जो कल होने वाला है, जो हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, जो प्रदेश कार्य समिति की जो कार्रवाई जो होने वाली है, उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। सरकार ने और राज्य सरकार ने सेवा के जो काम किए हैं, हमारी सरकार ने किए और हमारे संगठन ने जिस प्रकार से किए हैं, आप सब जानते हैं कि कोरोना के काल में जिस प्रकार से देश के जो अन्य दल हैं वो अपने घरों में क्वारंटाइन हो गए थे, सिर्फ ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कोरोना काल में लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस संकट काल में अपने दायित्व का पूरा निर्वहन पूरी ताकत के साथ कर रही थी। इस पर क्या क्या हमने इस कोरोना के संकट काल में हमारी सरकारों ने जो काम किया है मानवता के लिए, उस कोरोना काल से निपटने के लिए, वो सारे विषय पर हम विस्तार से इस कार्य समिति की हमारी जो बैठक होगी, इसमें ये हमारा प्रस्ताव आएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।